तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक मोटो टॉक। मैं हूं आपका होस्ट अक्षंश भट्ट और आज आपके लिए लाया हूं महिंद्रा की एक पॉपुलर एमपीवी जो कि है मराजो, जो कि टॉप एंड वेरिएंट के साथ M8 वेरिएंट है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट की तरफ आते हैं तो यहाँ पर महिंद्रा का लोगो मिल जाता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर शार्क के टीथ से इंस्पायर आपको ग्रिल मिल जाती है और यहाँ पर हेडलैम्प्स देख सकते हैं। नीचे की तरफ आप फॉग लैम्प्स देख सकते हैं, आप बहुत ही अच्छे फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं जिसके अराउंड आपको ब्लैक कलर के एलिमेंट्स मिल जाते हैं, रफ ब्लैक कलर के जो प्लास्टिक एलिमेंट्स मिल जाते हैं। और आप देख सकते हैं पूरा फ्रंट प्रोफाइल अच्छी तरीके से देख लीजिए आप। और यहाँ पर नीचे की तरफ स्किप प्लेट देख सकते हैं जो कि ब्लैक कलर में आपको रफ ब्लैक कलर में दी हुई है स्किप प्लेट। हेडलैम्प्स की बात करूँ तो सिंगल प्रोजेक्टर और एक हेलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं जो कि हाई बीम का काम करता है। और नीचे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और नीचे की तरफ मैं आपको DRLs वगैरह दिखाना चाहूँगा एक बार अच्छी तरीके से। यहाँ पर देख सकते हैं DRLs मिल जाते हैं ऊपर की तरफ और नीचे फॉग लैम्प मिल जाते हैं। तो एक बार पूरी तरीके से आप इसका फ्रंट देख लीजिए इस गाड़ी का, बहुत ही मस्कुलर लुक के साथ आपको गाड़ी अवेलेबल हो जाती है जो कि बहुत ही अच्छा लुक प्रोवाइड करती है यह गाड़ी आपको। तो चलो यहाँ पर मैं दिखा दूँ, वॉशर मिल जाता है। तो चलो साइड प्रोफाइल की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छी लगती है यह साइड प्रोफाइल की गाड़ी। और टायर साइज़ की बात करूँ तो इस गाड़ी के अंदर 215/60 R17 इंच के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं जो कि डायमंड कट हैं, मशीन कट हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं सिल्वर कलर्स में वगैरह जो भी कलर है आपको दिख रहा हूँ। यहाँ पर इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORV मिल जाते हैं जिसके ऊपर इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर नीचे आपको लैम्प मिल जाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत नाइट के टाइम बहुत ही काम आता है, वो यूज़फुल रहता है। यहाँ पर व्यू के लिए आपको बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, यहाँ पर मिरर दिया हुआ है व्यू के लिए। बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं यहाँ पर, उसके ऊपर आपको क्रोम फिनिशिंग मिल जाती है स्ट्रिप के टाइप। यहाँ पर टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की तरफ प्लेट में एंटी स्केच वाली प्लेट है यहाँ पर सिल्वर कलर के, यहाँ पर भी आपको सिल्वर फिनिशिंग इंसर्ट्स मिले हुए हैं जो कि गाड़ी को बहुत ही इनहेंस लुक दे रहे हैं। यहाँ पर क्रोम फिनिशिंग दी हुई है, आप देख सकते हैं बहुत ही स्टीप चूँकि लास्ट तक तो यात्रा जा रही है जो कि बहुत ही अच्छा लुक प्रोवाइड करी है। साइड प्रोफाइल मैं रियली बताना चाहूँगा आपको जो कि बहुत ही अच्छा लुक प्रोवाइड करी है। ऊपर की तरफ आप भी क्रोम फिनिशिंग मिलती है आपको, यहाँ पर भी क्रोम इंसर्ट्स दिए हुए हैं आप देख सकते हैं। ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर आपको। और यहाँ पर बूट पीछे बैक प्रोफाइल आप देख सकते हैं, यहाँ पर महिंद्रा का लोगो मिल जाता है और उसके सराउंड आपको क्रोम फिनिशिंग मिल जाती है, क्रोम की स्ट्रिप मिल जाती है आप देख सकते हैं। यहाँ पर वाइपर वॉगर वॉशर और डिफॉगर भी आपको मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प देख सकते हैं, एंटीना देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ थॉट लिखी हुई है महिंद्रा की। और यहाँ पर मराजो की बैजिंग मिल जाती है, M8 वेरियंट की बैजिंग मिल जाती है और यहाँ पर महिंद्रा का बैजिंग मिल जाती है। यहाँ नीचे ब्लैक कलर का बम्पर मिल जाता है, रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं और 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर आपको। यहाँ पर मैं टायर साइज़ के बारे में, फुल साइज टायर साइज मिलता है वो भी अलॉय व्हील है जो कि बहुत ही अच्छी बात है, आपको 5 टायर आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं। यहाँ पर लाइट्स देख सकते हैं, यहाँ पर LED दी हुई है, फ्लेक्सिबल LED और 2 बल्ब दिए हुए हैं। तो चलो बूट को ओपन करते हैं। यहाँ पर कैमरा मिल जाता है आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रंक ओपनर मिलता है आपको इसके अंदर। अगर मैं बूट स्पेस की बात करूँ तो इस गाड़ी के अंदर आपको 190 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है और आप थर्ड रो को डाउन कर दोगे तो आपको 680 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा बूट स्पेस है। सेकंड की दूसरी गाड़ी में नहीं था, यहाँ पर लैंप देख सकते हैं आप। तो चलो मैं थर्ड रो सीट्स को डाउन कर देता हूँ। सीट्स को डाउन करते ही आपका बूट स्पेस अच्छा खासा बढ़ जाता है जो कि 680 लीटर का बूट स्पेस बन जाता है जो कि बहुत ही अच्छा बूट स्पेस है। आप 4 से 5 बैग आराम से फुल साइज के रख सकते हैं इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पर जो कि जैक वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाते हैं देख सकते हैं आप, स्टेपनी के जो इस तरह से आपके। तो सीट को अप करते हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो बूट को बंद कर देते हैं और की वगैरह दिखा देते हैं। यहाँ पर की देखिए 3 बटन के साथ आपको मिल जाती है, फ्लिप की मिलती है आपको इसके अंदर, कोई भी किलेस एंट्री वगैरह नहीं मिलता है आपको। महिंद्रा का लोगो मिल जाता है आप देख सकते हैं क्रोम फिनिशिंग के साथ। यहाँ पर लॉक अनलॉक और बूट ओपनर के साथ आपको अवेलेबल हो जाती है। तो चलो गाड़ी के अंदर जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM मिल जाते हैं, मैं आपको अंदर से बता दूंगा। यहाँ पर डुअल टोन कलर में आपको फ्रंट और वो मिल जाता है, इंटीरियर डोर मिल जाता है ड्यूअल टोन अंदर की तरफ से। यहाँ पर मिरर देख सकते हैं, एंटी पिंच आपको मिरर मिल जाता है जो कि विंडो आप देख सकते हैं एंटी पिंच है। मैं आपको बताऊँ एक बार पूरा डाउन करके,
अगर किसी का हाथ वगैरह आ जाए तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर ये वापस नीचे चला जाएगा कुछ इस प्रकार से, जो कि एंटी पिंच बोलते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओवीएम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको, यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि ब्लैक कलर में दिए हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से एडजस्ट होते हैं ये मिरर। यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं सब आपको, ऑटो डाउन वगैरह आपको मिल जाता है, और यहाँ पर ऑल फोर पावर विंडो मिल जाते हैं। यहाँ पर अच्छा खासा लेदर के साथ फिनिशिंग कुशन मिल जाता है। यहाँ पर सिल्वर इंसर्ट्स देख सकते हैं आप, क्रोम फिनिशिंग दी हुई है यहाँ पर डोर हैंडल में अंदर की तरफ से। हाइट एडजस्टेबल सिक्स में आपको सीट्स मिल जाती है, हाइट एडजस्टेबल वगैरह सब आपको मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर। लेदर अपोस्टी आपको सीट्स मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर। और स्टेयरिंग व्हील की बात करूँ तो आप देख सकते हैं पियानो ब्लैक फिनिशिंग दी हुई है स्टेयरिंग व्हील के अंदर। यहाँ पे आपको इको मोड दिया हुआ है, जो कि आप एवरेज वगैरह बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हेलो हेडलैम्प एडजस्टेबल, यहाँ पर एसी वेंट्स मिल जाते हैं जिसके सराउंड आपको क्रोम फिनिशिंग दी हुई है। यहाँ पर व्यू देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा व्यू मिल जाता है। और यहाँ पर ट्विटर्स मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर, फोर स्पीकर और टू ट्विटर्स के साथ आपको ये गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। दोनों ट्विटर्स आप देख सकते हैं। और यहाँ पर स्टेयरिंग व्हील में आपको पूरा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिशिंग दी हुई है। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हैं आप, मैं एक बार एंट्री दिखा दूँ आपको कुछ इस प्रकार से, बहुत ही प्रीमियम लुक देती है आपको जब इसकी एंट्री होती है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप बता रहा है आपको डोर खुला है, बहुत ही सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको। यहाँ पर नेविगेशन वगैरह सब आप इसमें चला सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप बहुत सारे सिस्टम देख सकते हैं आप, एक बार देख लीजिए। यहाँ पर अनेबल नेविगेशन दिया हुआ है, डोर ओपन वगैरह सब आप देख लीजिए, सेटिंग क्लॉक टाइम डेट किलोमीटर ड्राइव वगैरह सब आपको मिल जाता है, ऑटो स्टार्ट वगैरह आपको देख सकते हैं आप। लेफ्ट में आपको टैकोमीटर, राइट में स्पीडोमीटर मिल जाता है, और बीच में जो स्क्रीन देख रहे हैं आप, जो कि 4 इंच की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको स्क्रीन मिल जाती है। यहाँ पर म्यूजिक के कंट्रोल्स, राइट साइड आपको क्रूज कंट्रोल और एमआईडी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिशिंग दी है, टिल्ट एडजस्टेबल आपको स्टेयरिंग व्हील मिल जाती है, और इस पर पियानो ब्लैक फिनिशिंग दी है जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है। यहाँ पर मैं आपको वाइपर्स के कंट्रोल्स बता देता हूँ इस तरफ, ये देख सकते हैं आप वाइपर्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर हेडलैम्प्स के वगैरह आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर सनशेड देख सकते हैं, ड्राइवर सीट आपको कुछ इसके अंदर मिरर नहीं मिलता है। यहाँ पर लैम्प मिल जाता है आपको, फुल व्यू आपको यहाँ पर मिल जाता है इस मिरर के अंदर, जितने भी पैसेंजर बैठे हैं उन सब का, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यह होना चाहिए हर एक 7 सीटर कार में, हर कार में होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं सन ग्लास होल्डर मिल जाता है फुल साइज़ का आपको, डे नाइट आपको एडजस्टेबल IR में मिल जाता है आप देख सकते हैं, जो कि मैनुअल है। यहाँ पर कुछ स्पेस मिल जाता है, फ़ोन वगैरह अच्छा रख सकते हैं, कोई भी सामान वगैरह। इवन आपको यहाँ पर भी पियानो ब्लैक फिनिशिंग दी हुई है, जैसे कि आपको स्टेयरिंग व्हील पर मिलती है, देख सकते हैं आप पियानो ब्लैक फिनिशिंग बहुत ही अच्छी लग रही है। यहाँ पर कैमरा देख रिवर्स कैमरा देख सकते हैं आप, यहाँ पर सब आपको टोटली टच मिलता है, कोई भी बटन के नहीं मिलते आपको इंस्ट्रूमेंट सॉरी इंफोटेनमेंट सिस्टम में। डायनेमिक गाइडलाइंस के साथ आपको यह मिल जाता है, और बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, पार्किंग का जूम वगैरह भी आप इसमें कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं डायनेमिक गाइडलाइंस आपको मिल जाती है, देख आप जूम आउट जूम इन कर सकते हैं इसके अंदर, जो कि बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ, और 3 फीचर के साथ आपको कैमरा मिल जाता है। और पार्क असिस्ट भी आपको, जो कि इसमें ही सॉरी पार्क असिस्ट नहीं, आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर भी इसमें ही शो करते हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ आपको फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम पूरी तरीके से। एक बार गाड़ी गियर में है तो रिवर्स गियर में, तो मैं उसको पहले डाल लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं होम कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर मीडिया और बहुत सारे फ़ोन्स कनेक्ट करने के, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल आपको उसके अंदर बहुत ही एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले ऑक्स USB और ब्लूटूथ वगैरह आपको बहुत ही अच्छे फीचर्स कनेक्टिव फीचर। यहाँ पर नेविगेशन देख सकते हैं, बहुत ही स्मूथ नेविगेशन मिलता है आप देख सकते हैं, मेरे कितना प्रीमियम फील के टच के साथ आपको मिल जाता है। सेटिंग्स देख सकते हैं आप यहाँ पर, और यहाँ पर एसी वेंट्स देख सकते हैं आप। यहाँ पर नीचे फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है आपको इसके अंदर, ये कुछ इस प्रकार से आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में ये शो करेगा, आप टेम्परेचर वगैरह सब सेट कर सकते हैं इसके अंदर। आपको टच नहीं होगा बट आपको नॉर्मली करना पड़ेगा।
चलो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ एक बार, ब्लोवर्स को। यहाँ पर गियर नॉच देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको को ड्राइवर्स एयरबैग का मिल जाता है, डुअल एयरबैग मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। आर्मरेस्ट देख सकते हैं आप, दोनों अलग अलग सेपरेट दिए हुए हैं ड्राइवर और को ड्राइवर की साइड। यहाँ पर भी आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग, यहाँ पर जो डिज़ाइन दी हुई है ना, मैं बताऊँ आपको उससे पहले, यहाँ पर ग्लव बॉक्स देख सकते हैं आप, जो कि कूल ग्लव बॉक्स है। यहाँ पर आप डिज़ाइन देख सकते हैं, को ड्राइवर की तरफ से मैं आपको सनशेड बताऊँ तो आपको लैम्प के साथ मिल जाता है, देख सकते हैं आप लैम्प, जैसे ओपन करेंगे लैम्प लग जाएगी, क्योंकि वाइट कलर में आपको हैंड ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर माइक दिया हुआ है इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप एडजस्ट कर सकते हैं आपका जो भी बैक सपोर्ट है उसको, आप देख सकते हैं आप बीच की तरफ मैं बताऊँ आपको, जो कि एडजस्ट कर सकते हैं। ड्राइवर और को ड्राइवर की साइड आपको मिलता है, जो कि आपको लॉन्ग ट्रिप्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आरामदायक है। यहाँ पर देख सकते हैं 12 वोल्ट फास्ट चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, और 2 USB पोर्ट्स मिल जाते हैं, एक ऑक्स के लिए मिल जाता है आपको, जो कि इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए है। यहाँ पर आपको जेट वाला जिस टाइप का आपको हैंड ब्रेक्स मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा फील देता है। यहाँ पर स्लोटिंग आप देख सकते हैं, कोई यूटिलिटी स्पेस मिल जाता है। तो चलो बैक सीट की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड रो की तरफ बढ़ते हैं इस गाड़ी के। यहाँ पर कुछ स्पेस मिल जाता है आपको, बोनेट ओपनर मिल जाता है और पैडल भी मिल जाता है आपको। यहाँ पर सेम आपको ड्यूअल टोन कलर में आपको मिल जाता है, जिसके अंदर लेदर यहाँ पर मिल जाता है, जो कि कुशन वगैरह मिल जाता है। ऊपर ब्लैक दिया हुआ, नीचे यहाँ पर देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से आप फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स माउंट्स का यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर आर्मरेस्ट दिए हुए हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं इसी वेंट्स आप फ्लो को सेट कर सकते हैं, लैम्प मिल जाता है और डायरेक्टली फ्लो फ्लो वाला मिल जाता है आपको। बहुत ही अच्छा आपको इस एसी का वेंट्स, यहाँ पर ग्रैब हैंडल देख सकते हैं, एसी बहुत ही अच्छा मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर आपको। सनशेड देख सकते हैं आप, तो चलो थर्ड रो की तरफ बढ़ते हैं इस गाड़ी का। यहाँ पर कुछ फुल्ली लेदर सीट्स मिल जाते हैं, एडजस्टेबल 2 हेडरेस्ट मिल जाते हैं आपको, चारों डोर में आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर स्पेस देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्पेस मिल जाता है। मेरी हाइट है 5.8 हाइट है मेरी। यहाँ पर इंटीरियर देख सकते हैं, फ्रंट डैशबोर्ड के लुक्स जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं इस गाड़ी के में। और एसी वेंट्स की बात, यहाँ पर लैम्प देख सकते हैं, 2 लैम्प दिए हुए हैं। यहाँ पर कुछ कॉइन वगैरह रख सकते हैं, यहाँ पर कुछ आपको बहुत ही अच्छे व्यू के लिए बहुत ही अच्छा मिरर दिए हुए हैं। इस गाड़ी के एसी वेंट्स के बारे में, एसी की बात करूँगा तो एसी फ्रेंड्स के फ्लो की बात करूँ तो इस गाड़ी के अंदर आपको इसकी स्पीड बताओ तो 36 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, जो कि सेगमेंट में बेस्ट है। इस बहुत ही फास्ट एक्सप्रेस कूल वाली आपको फीलिंग देती है इसकी एसी, जो कि मैं क्या बताऊँ आपको, एक बार आप ट्राई कर जरूर देखें। यहाँ पर मैं को ड्राइवर की तरफ आप एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देख सकते हैं एयरबैग ऑन ऑफ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। अगर सिंगल ड्राइवर ही जा रहा है तो एयरबैग ऑफ कर सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ डिज़ाइंस मिल जाती है। तो चलो गाड़ी के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, तो वेरियंट्स की बात करूँ तो इस गाड़ी के अंदर आपको 4 वेरियंट्स में अवेलेबल हो जाती है, M2, M4, M6 और M8, जो कि हम आपके लिए लाए हैं, जो कि टॉप एंड वेरियंट है। वारंटी की बात करूँ तो 3 ईयर + 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी मिल जाती है। और ये मैं बात करूँ तो M8 जो है, और जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें ओनली आपको कैप्टन सीट्स के साथ ही मिलते हैं, जो कि सेकंड रो सीट्स आपको 2 ही मिलेंगी सेकंड रो सीट्स में। कलर ऑप्शन की बात करूँ तो मैरून, एक्वा मरीन, पर्पल, वाइट, सिल्वर और ब्लैक कलर में आपको गाड़ी अवेलेबल हो जाती है।
सेफ्टी की बात कर लेता हूँ तो इस गाड़ी के अंदर आपको ड्यूअल फ्रंट एयरबैग, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक एंड अनलॉक, एबीएस विद ईबीडी, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स मिल जाती है, इंजन इमोबिलाइजर मिल जाता है, डोर अजार वार्निंग, एंटी थीफ अलार्म सिस्टम, कॉर्नरिंग लैम्प, सेंट्रल लॉकिंग, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स एंड एक और फीचर मिल जाता है जो कि एक्स्ट्रा है, जो आप अगर एक्सीडेंट होता है आपका और ये गाड़ी ऑटोमेटिकली पास वाले हॉस्पिटल और आपके जो शोरूम वगैरह उसको मैसेज कॉलिंग कर देती है कि इनका यूँ एक्सीडेंट हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है, जो कि एड्रेस वगैरह आपको सेंड कर देती है। और थोड़े कुछ स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, इस गाड़ी के अंदर 45 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। कर्ब वेट की बात करूँ तो 1600 केजी से लेकर 1650 केजी तक का कर्ब वेट मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। टर्निंग रेडियस की बात करूँ तो 5.2 मीटर की टर्निंग रेडियस मिल जाती है। और बूट स्पेस मैंने आपको पहले बता दिया है, 190 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है और थर्ड रो को डाउन करने के बाद 680 लीटर का बन जाता है। और आम लंबर सपोर्ट्स भी मिल जाता है मैंने, जो कि आपको बताया। फ्यूल टैंक देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार से ओपन होता है। और म्यूजिक सिस्टम की मैं बता दूँ तो पहले मैं आपको बता दूँ 7 इंच का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। और इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो एक ही इंजन में गाड़ी आपको अवेलेबल हो जाती है। इस इंजन की बात करूँ तो 1.5 लीटर D15 फोर सिलेंडर डीजल इंजन मिल जाता है, जो कि 120 PS की BHP की पावर जनरेट करता है, 300 NM का टॉर्क जनरेट करता है। इसकी एवरेज की माइलेज की बात करूँ तो 17.6 KMPL का माइलेज जनरेट करता है और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको गाड़ी अवेलेबल हो जाती है। तो कुछ इसके स्पेसिफिकेशन थे इस गाड़ी के। तो आपको पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को जाके तुरंत सब्सक्राइब करें हमारे नए नए वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए दोस्तों।